अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम कर रहे हैं उर्दू जमात पंचम, सबक नंबर है 7, हवा चली, नज़म है, इसके मुश्किल सवालात और इनका हल कर रहे हैं। तशरीह और खुलासा, मरकजी ख्याल ये हम कर चुके हैं, इससे पहले वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। अल्फाज मायने की तरफ चलते हैं। धीमी धीमी आहिस्ता आहिस्ता चौपाया, चार पाओं वाला जानवर, खुश अदा, अच्छाइयों वाला या वाली, खूबियों वाला या फूकियों वाली, चहचहे परिंदों के बोलने की आवाजें, लचकना, बाल खाना, मुड़ना, ढालियां, टहनियां, बंदगी, इबादत, शकूफे, कलियां, फुलवारियां, फूलों की जो क्यारियां होती हैं उनको कहते हैं, सब्जा हरियाली को कहते हैं। कलम अलिफ को कलम बे से मिलाकर मिसरे मुकम्मल कीजिए। लहरा दिया है खेत को, हिलती हैं बालियां, सरसब्ज हो दरख्त ना बागों में तुझ बगैर, बंदों को चाहिए के करें बंदगी अदा, चिड़ियों को ये उड़ान की ताकत कहाँ रहे, तेरे ही दम कदम से है भाती चमन की सैर। दिए हुए हरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाएं और इन अल्फाज से मुतल्लिका मिसरे लिखें। लाम चे काफ ते ये, लचकती पौधे भी झूमते हैं, लचकती हैं डालियां। अगला है शीन बाप पाओ पे ये, शगुफे फलवारियों में ताजा शगुफे खिला चली, सीन बे जे हे सब्जा, सोया हुआ था सब्जा इसे तू जगा चली, चे वाओ पे अलिफ ये हे छुपाया, छुपाया कोई जिंदा बचे और ना आदमी, दाल हे ये मीम ये, धीमी क्या धीमी धीमी चाल से ये खुश अदा चली। सवाल के जवाब की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 1, परिंदे अपनी उड़ान कैसे भरते हैं? परिंदे अपनी उड़ान हवा की वजह से भरते हैं। सवाल नंबर 2 है, इस नज़्म का मरकजी ख्याल तहरीर कीजिए। अल्लाह ताला जो इस कायनात का खालिक व मालिक है, इसने बेशुमार नेमतें पैदा की हैं, हवा भी उसकी अता करदा नेमतों में से एक नेमत है, हवा के बगैर कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि जिसने हमें इस नेमत से नवाजा है या ये नेमत अता की है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3 है, हमें किसकी बंदगी करनी चाहिए और क्यों? हमें अल्लाह ताला की बंदगी करनी चाहिए जो इस कायनात का खालिक और मालिक है, उसने बेशुमार हमारे फायदे के लिए नेमतें पैदा की हैं। सवाल नंबर 4 है, अपने इर्द गिर्द का जायजा लें और 4 ऐसी नेमतों के बारे में लिखें जिनके बगैर जिंदा रहना नामुमकिन है। हवा, पानी, खुराक और रोशनी, 4 ऐसी नेमतें हैं जिनके बगैर जिंदा रहना नामुमकिन है। आगे चलते हैं। नजम में मौजूद कुदरती मंजर को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। इस नजम में जो कुदरती मंजर बयान किया गया है वो ये है कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, खेत में फसलें लहलहा रहे हैं और पौधे भी हवा की वजह से झूमते हुए नजर आ रहे हैं, क्यारियों में ताजा ताजा फूल खिले हैं, चिड़ियां हवा में तैरती फिर रही हैं, जानवर भी खुशगवार आवाजें निकाल रहे हैं, परिंदों की सुरीली आवाजें कानों में रस घोल रही हैं। ये कुदरती मनाजिर है या मंजर है। दिए हुए अल्फाज के ग्रोही अल्फाज लिखें। बरसात, घटा, बादल, खरज, बारिश, पकवान, चमन, पौधे, फल, फूल, दरख्त, पानी। ग्रोही अल्फाज मतलब ये कि बरसात से रिलेटेड लफ्ज आपने इधर लिखे हैं, चमन से रिलेटेड हमने यहाँ पे लिखे हैं। त्योहार, नया लिबास, खुशियां, मुस्कुराहटें, सजावटें। खेल, नज्मो जब्त, खिलाड़ी, रेफरी, गेंद, हार जीत। बाजार, दुकानें, चीजें, हजूम, औरतें और बच्चे। फलक, सूरज, चांद, सितारे, नीला। फायद सीखे में है, सापके दिए हुए अल्फाज गौर से पढ़े। खुशदा, खुश किस्मत, खुश शक्ल, ये सापके हैं, ऐसे हरूफ या अल्फाज जो किसी लफ्ज से पहले लगाए जाएं और इस लफ्ज के मानी में तब्दीली पैदा कर दे सापके कहलाते हैं, जैसे खुशदा, खुश किस्मत, खुश शक्ल, इन सब अल्फाज में खुश सापका है। अब दिए हुए सापकों की मदद से 2-2 अल्फाज बनाए और इनके मायने लिखे। सात, सुरीला और सरताज। सुरीला का मतलब होता है मीठी आवाज वाला, सरताज का मतलब होता है सर का ताज या मोहतरम या शोहर। कम कम फहम, कम गो, कम फहम का मतलब होता है कम अकल, कम गो का मतलब होता है कम बोलने वाला। आगे चलते हैं। लाके, दिए हुए अल्फाज गौर से पढ़े। सौदागरी, गदागरी, सिपागरी।
ऐसे हरूफ या अल्फाज जो किसी लफ्ज के बाद लगाए जाएं और वो अल्फाज इस लफ्ज के मानी में तब्दीली पैदा कर दें, लहके कहलाते हैं। नाक लहका है, इससे हमने अल्फाज बनाने हैं दो दो और फिर उनके मानी लिखे हैं। ताबनाक और ख्वाबनाक, ताबनाक का मतलब होता है शानदार, ख्वाबनाक का मतलब होता है ख्वाब जैसा। गार मददगार, तलबगार, मददगार का मतलब होता है मदद करने वाला, तलबगार का मतलब होता है मांगने वाला। दिए हुए इशार दुरुस्त लफ्ज लय और आहंग से पढ़े और बाज़ इनका मरकजी अख्याल अपने अल्फाज में बयान करें। कैसे अल्लाह ने बनाए रात दिन, कैसी हिकमत से सजाए रात दिन, दिन हुआ तो लोग सारे जाग उठे, रात आई चांद तारे जाग उठे, दिन हुआ सब काम करने लग गए, शब हुई आराम करने लग गए। इसका मरकजी ख्याल ये है कि इन इशार में अल्लाह पाक की हमद है ये, और इसमें अल्लाह पाक की नेमतों का जिक्र किया गया है, अल्लाह ताला की कुदरत बयान की गई है कि जिसने रात और दिन हमारे लिए बनाए, हमारे आराम के और हमारे काम का जो वक्त है वो मुतय्यन किया। आगे है पानी की जरूरत और अहमियत पर मबनी 10 से 15 जुमलों के दो पैराग्राफ लिखें। तो पानी इंसानी जिस्म की नशोनुमा के लिए बहुत जरूरी होता है। इंसान का जो जिस्म होता है उसमें पानी की मकदार 70% है। पानी के बगैर इंसानी जिंदगी नामुकम्मल है। दिमाग का 3% जो हिस्सा होता है वो पानी पर मुश्तमिल होता है। पानी के बगैर इंसान 12 घंटे भी जिंदा नहीं रह सकता। इंसान को दिन में 8 गिलास जो पानी है वो जरूर पीना चाहिए। पानी के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। जानवर और दरख्त भी इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। पानी के बगैर दुनिया की कोई भी जो मखलूक है वो जिंदा नहीं बचेगी। इंसान को जब प्यास लगती है तभी से पानी की अहमियत का एहसास होता है। सांस लेने के लिए हवा के साथ पानी भी जरूरी है। आगे है तहकीक करके मालूमात इकट्ठी करें कि अगर जमीन पर ऑक्सीजन की कमी वाकया हो जाए तो क्या होगा। अगर जमीन पर ऑक्सीजन की कमी वाकया हो जाए तो कोई भी जो जानदार है, चाहे जानवर हैं, परिंदे हैं, चरिंद हैं या इंसान है, कोई भी जीरू इस जमीन पर जिंदा फिर नहीं बचेगी, क्योंकि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तहाई अहम होती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। तो कमेंट करके बताएं कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। अपना और अपने प्यारों के रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।